असलकम क्या हाल चाल हैं आप सबके खैरियत से अच्छा कल मैंने एक, एक शॉर्ट क्लिप बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट किस में हमने बनना है और क्या क्या चीज़ें कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली होनी चाहिए या हमें पहले औरली सीखना चाहिए या वीडियोज़ वग़ैरह देखनी चाहिए तो वो ईच एंड एवरी जो भी था वो मैं यहाँ पर अभी आपको साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ और थोड़ी मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा जो है ना वो कवर अप करके छोटी वीडियो बनाऊँ लेकिन जितनी भी हो आप डिटेल के साथ देखें क्योंकि देखें आ, कुछ जो डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर में कर रहा हूँ तो वो थोड़ी सी लेंथी बन सकती है वीडियो तो स्टार्ट करते हैं अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर मैं जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहता हूँ और ये पूछा जाता है कि वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करूँ या एफ बी ए होल सेल का कोर्स करूँ या प्राइवेट लेबल का कोर्स करूँ या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनूँ मतलब कि वो तीन चार चीज़ों को कंपेयर करके वो पूछ रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि हमें जो है वो किस में हम जो है वो फ़ायदा हमें ज़्यादा है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वर्चुअल असिस्टेंट जो एक टर्म है जो वायरल हुई हुई है और सब सब लोग जो है वो जानते हैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हो रहा है वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हो रहा है सारे करवा रहे हैं तो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन ये है कि कोई भी स्किल आपके पास अगर कोई भी स्किल है अगर आप जो है वो अमेजोन के रिलेटेड आप कुछ करना जानते हैं स्किल है आपके पास आप जो है वो वर्ड प्रेस डेवलपमेंट वेबसाइट बनाना जानते हैं आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप जो है वो प्रोग्रामर हैं जावा आती है आपको और जितनी भी लैंग्वेज़ वगैरह या तो, कोई और भी जितनी भी स्किल्स हैं वट एवर कोई स्किल आपके पास है जब आप उसको वर्चुअली अपने घर में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के अपने जो है वो आप लैपटॉप आपके पास होगा आप पार्क में बैठ जाएं आप कहीं पे भी बैठ जाएं जब आप कहीं पर भी बैठ के अपने क्लाइंट को जब आप असिस्ट कर रहे होते हैं ठीक है तो उसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट ठीक है ये हो गया आपका वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट। अब वर्चुअल असिस्टेंट किस में होना चाहिए ये है एक्चुअल में कोर्स वर्चुअल असिस्टेंट किस में हमने बनना है ठीक है अब अब डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। हैं है? अमेजोन में डिफरेंट मॉडल्स हैं ठीक है अमेजोन में डिफरेंट मॉडल्स हैं आपको मैं जो है वो काउंट करवा दूँ सबसे पहले अमेजोन एफ बी ए होल सेल है जिसमें प्राइवेट लेबल है माइक्रो प्राइवेट लेबल है ड्रॉप शिपिंग है ऑनलाइन आर्बिट्राज है और तो ये एक जो है ना इसमें इसके मॉडल्स हैं अब हमें जो है वो एक नया स्टूडेंट एक न, ये नए स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो में बना रहा हूँ कि हमें जो है वो नया स्टूडेंट वो उसको फर्स्ट स्टेप जो होगा उसका फर्स्ट स्टेप वो क्या होना चाहिए उसके लिए ठीक है फ़र्स्ट स्टेप में उसको सबसे पहले कोई ना कोई एक स्किल ठीक है एक मॉडल अमेजोन एक पूरी स्किल है अब अमेजॉन के अंदर जो है वो एक डिफरेंट मॉडल्स हैं अब आप जो है वो अगर अमेजान में प्राइवेट लेबल भी स्टार्ट सीखना स्टार्ट कर दो अमेजोन एफ भी होल सेल भी सीखना स्टार्ट कर दो ड्रॉप शिपिंग भी सीखना स्टार्ट कर दो ऑनलाइन आर्बिट्राज भी सीखना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा आप किसी चीज़ में भी जो है वो एक्सपर्ट नहीं बन सकते आप जो है वो आप इसमें भी फंसे हुए हैं इसमें भी फंसे हुए हैं उसमें भी फंसे हुए हैं आप एक चीज़ को वक्त नहीं दे सकते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है तो आपको एज अ न्यू बी, एज अ न्यू स्टूडेंट आपको सबसे पहले कोई एक स्किल जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने अगर जो है वो एक स्टूडेंट ने सेलेक्ट कर लिया कि मैं करना चाहता हूँ वी बनना चाहता हूँ अमेजॉन एफ बी सेल में ठीक है अब अमेजोन एफ बी सेल में आगे अब एक होल सेल का कोर्स है एक है कोर्स और एक है ऑन ट्रेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये दो तीन नाम हैं जिसमें आप इसको प्रैक्टिकल भी वर्ड बोल बोल सकते हैं प्रैक्टिकली काम ठीक है अब इसमें बहुत लोग जो हैं वो कोर्सेस करवा रहे हैं ठीक है बहुत लोग अमेजोन का कोर्स करवा रहे हैं Amazon का कोर्स जो है वो मेरे नज़दीक मैं रहीमिया खान में बैठा हूँ रहीम्यार खान में यहाँ पर जो लोग कोर्स करवा रहे हैं वो बेसिकली अगर कोई करना चाहता है तो वो यूट्यूब से ज़्यादा बेहतर कर सकता है कोर्स ठीक है जो लोग करवा रहे हैं यहाँ पर मैंने एजेंसी बनाई इसका मोटिव मेरा ये है कि हम यहाँ पर फ़र्स्ट डे से डे फर्स्ट से हम लोग जो है वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल सिखाएं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें उसमें क्या चीज़ें मतलब कि उसको क्या फ़ायदा होगा उसको फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोर्स करेंगे ठीक है बहुत से आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें आप औरली एक दफ़ा देख के आ जाएं जब औरली एक चीज़ होती है और एक चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन <coughs> जब आप करने लगते हैं उसको प्रैक्टिकली में तो वो टोटली totally डिफरेंट हो जाती है चीज़ ठीक है तो इस चीज़ को आप समझें कि हमें जो है वो फर्स्ट डे से हमारा टाइम वेस्ट ना हो जो हमारा हमने दो महीने लगा के कोर्स हमने सीखना है मतलब कि वो औरली ही वो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको रजिस्टर्ड के ऊपर नोट कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड कॉपी पेंसिल का ज़माना गया अभी हमें जो है वो जो चीज़ें जो सीखें उसको फौरन हम इम्प्लीमेंटेशन करें अपने लैपटॉप के ऊपर जो काम सिखाया जा रहा है ठीक है तो उसको हम जो है वो सीखें तो इसमें ये है कि हमें प्रैक्टिकल जो है वो हमें क्या आना चाहिए स्टूडेंट को प्रैक्टिकल सीखाना है ये हमारा मोटिव है कि आपको फ़र्स्ट डे में ओरिएंटेशन हो जाएगी आपकी जिसमें सारी आपकी जो है वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी कि हमने डिफरेंट मॉडल्स हैं कैसे कैसे वर्क करेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपका डे फर्स्ट में सारा कंप्लीट हो गया अब सेकंड डे से जो आपने हम आपको एक आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ भाई अब जो है वो एक्सटेंशनस होती हैं एक मैं आपको और, और कुछ चीज़ें बता दे हूँ, एक्सटेंशनस होती हैं टूल्स की तो वो हमने अब बताते हैं क्या कौन कौन सी एक्सटेंशनस होंगी और कैसे उसको इंस्टॉल करना है तो उसमें क्या कहते हैं आ, अगर हम वो मैं बताऊँ और आप लोग जो है रजिस्टर्ड के ऊपर लिखने लग जाएँ तो वो फ़ायदा नहीं है आपका ठीक है तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम डे फर्स्ट से सेकंड से हम प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिकल काम करें ठीक है प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आपका दो महीने का जो कोर्स होगा वो आपका प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन पे आएगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो है वो एक आपका रिजल्ट और होगा बनस्बत उसके जो आप पहले दो महीने का कोर्स करेंगे और और उसके बाद फिर आप ढूंढेंगे कि मैंने कोई मुझे सीनियर मिले और मैं उसको प्रैक्टिकली उसके साथ अटैच होकर मैं काम करूं, ठीक है तो एक ये जो है वो होपफुली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अप uh, करने की कोशिश की हैं जो क्वेश्चंस होते थे बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम uh, पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगा आप मुझे डीएम करें वहाँ पर क्वेश्चन आप जो है वो uh, मुझे भेज दीजिएगा अपना इंशाल्लाह मैं इन शे फर्दर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और फिर वो एलीट कॉमर्स के पेज के ऊपर मैं अपलोड करूंगा आप वो उसको फॉलो भी कर लें और अपने अपने सोशल सर्कल में भी इसको शेयर करें ताकि किसी और को अगर जो है वो इसके बारे में नहीं पता तो उसको भी पता चल जाए कि अमेज़ोन का कोर्स करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं ठीक है तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद